मैंने आप लोगों को बोला था कि जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका नाम मेरे ब्लॉग में लेने वाली हूँ। तो मुझे ये देखिए पूरी प्लेट टूट चुकी है, लगा है। अब मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना है। कैसा बना? एक बाइट में समझ नहीं आता, दोबारा बाइट करके देखेंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गाइस, जल्दी बोलो क्या हो रहा, पहले हम भी तो देखें। तो आज था सैटरडे और आज का मेरा दिन कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पर खत्म हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका नाम मेरे व्लॉग में लेने वाली हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा कमेंट्स लगा मेरे जो पिछला व्लॉग था, तो उसमें मुझे सबसे अच्छा कमेंट्स करा ब्रेव हार्ट पाकिस्तानी, एक ये यूट्यूब चैनल है, इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट कर रहा था और मुझे इनका कमेंट बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। तो गाइस मेरी और बाखे की शर्त लगी है, शर्त इसलिए लगी है क्योंकि मुझे बाखे ने बोला कि मैं आपसे भी ज्यादा अच्छा पास्ता बनाता हूँ, जब आप घर पर नहीं थे तो मैंने पास्ता बनाया था और वो आपसे भी ज्यादा टेस्टी पास्ता बना था। तो फिर मैंने शर्त लगा लिया उनसे कि ठीक है, आप मुझसे अच्छा पास्ता बनाते तो बनाओ, हम भी देखते हैं कि उनका पास्ता अच्छा था कि मेरा पास्ता। तो बाखे आज कुक करने वाले किचन में जाके पास्ता, इधर आओ, आप क्या करते रहते यार। तो आज हम दोनों की, जब आपने इतना नहीं बनाया तो आज हम दोनों की शर्त लग गई कि दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा पास्ता बनाता। तो इधर आओ, चलो ठीक है, चलो तो देखते हैं कि दोनों में से कौन अच्छा पास्ता बनाता, मैं या बाप, ठीक है। चलो तो अभी हम जा रहे हैं नीचे किचन में पास्ता बनाने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे अभी रात के। अभी तो मुझे इतने हंसी आ रही है कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं, क्योंकि अभी बाकी तो बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि मैं पास्ता बनाया था, इतना टेस्टी बना था, लेकिन वो कब से यहाँ पर पास्ता ढूंढो, उनको पास्ता मिल ही नहीं रहा है। ये देख, कहाँ है पास्ता, कहाँ है, हमको रहते बड़ा, आप देखो कहाँ पर है। जो पास्ता बना रहा उसको ही नहीं मालूम कि पास्ता रखा हुआ कहाँ है, आखिर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है सबसे ज्यादा। ढूंढो ढूंढो, इससे पहले कहाँ से निकाले थे आपने? नहीं, जल्दी मिला क्या, मिला जल्दी, इसके अंदर है क्या पास्ता, बता बता हमको क्या है इसमें, किसी ने चेक करे थे। अरे जल्दी से ढूंढो जल्दी फास्ट, मिला पास्ता तो मिल चुका है। अभी पास्ता मिल चुका है, अब जो है पास्ता मसाला और बाकी सब क्या क्या डालते हैं, अब हम जरा भी नहीं करेंगे, हम बनाएंगे, ठीक है, हम नहीं करने वाले, आप ही बनाओ, हम देखते हैं ना कि आप कैसा बनाते बोल के, लेकिन फास्ट फास्ट करो, इतनी स्लो स्लो करिए ना तो सुबह सूरज निकल जाएगा। चलो जल्दी दे, फास्ट फास्ट करना, अब कैमरा बंद कर दो, क्यों कर दो बंद, क्या ढूंढ रहे आप, क्या निकाल रहे, जल्दी फास्ट निकालो, ये निकल चुका है चॉपर, अब प्याज देना पड़ेगा, प्याज चॉपर के बाद, प्याज
प्याज के बाद टमाटर लेना पड़ेगा। दो मिनट दो मिनट। टमाटर मिले, ये टमाटर आ चुके हैं। अब इसको धोना पड़ेगा चॉपर को। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? आलू काट रहे हैं। तो पास्ता में पहले आलू डालते हैं? पहले बात तो आलू डालते नहीं पास्ता में। तो बन बाप खुद ऐसा बन रहे जैसा मालूम ही नहीं खुद को। पहले पास्ता क्या करते हैं मालूम? पहले पास्ता बॉईल करने रखते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर अगर आलू वाला खाना है तो उसके अंदर आलू कट करके डालते। अरे पहले बॉईल करने रखो उसको। पहले काटते नहीं है। पहले बॉईल करने रखो आपके तो काटे बॉईल होंगे ना। अल्लाह इससे अच्छा गाइस तो मैं ही बना लेती, रहने तो हम बना लेते। तो पास्ता बनाते बनाते जो भी व्लॉग देख रहे हैं, मैं बोलने वाली हूँ कि सुबह होने वाली है तो आप लोग 3-4 घंटे व्लॉग ये जारी रहेगा, तो आप लोग देखते रहिए व्लॉग। तो अभी आलू छिला जा रही है, देखो बता बताऊं। क्या कर रहे हैं? अभी तक आलू कटे ही नहीं, और पहली बात तो पास्ता में आलू डालते नहीं, लेकिन जो है आज हमारा बनने वाला है आलू पास्ता वाला, पास्ता आलू वाला सॉरी। यहाँ पर फास्ट फास्ट क्या हो रहा, पहले हम भी तो देखें। आराम से हाथ वाथ कटेंगे। जल्दी जल्दी करो ना, कितना टाइम पास करते बाबा। फास्ट फास्ट। और इतनी सर्दी है यहाँ औरंगाबाद में गाइस के देखो, मुझे दिन रात जैकेट पहनना पड़ रहा है, और मेरे पैर में भी सॉक्स है, और बाकी बिना स्लीवलेस टी शर्ट वो स्लीवलेस टी शर्ट पहन के घूम रहे, क्योंकि उनको सर्दी नहीं लगती, उनको गर्मी लगती है, और मैं पूरा फुल टू बंधा हुआ है स्टोल जैकेट वैकेट सॉक्स वॉक्स पहन के घूम रहे ऊपर। क्या हाउ ना, यहाँ पर सबको सर्दी हो रही है और उनको गर्मी लग रही है, मतलब आप उल्टा चलते सबसे। चलो होता कि नहीं जल्दी। अब इसमें और डालना पड़ेगा नमक। ऑयल और नमक। अच्छा अब इसमें ऑयल डाल रहे हैं आप, वो बंद करो। हाँ अब इसमें जा रहा है ऑयल। तो ऑयल और नमक से क्या होता? हाँ ऑयल और नमक से क्या होता नहीं मालूम, लेकिन डालते हैं। मालूम नहीं हो बहुत बड़ा डालते उसमें ऑयल और नमक। नमक से जो है तो उसमें खारापन आता है, और सिंपल से बात है, और ऑयल से जो आलू है वो और पास्ता है वो एक दूसरे को चिपकते नहीं। अब इसको क्या करना है? इसको फुल पे रखने का। अब चम्मच निकालने का। चम्मच चलो हुआ कि नहीं। और ये जो बेचारे ये आलू और ये प्याज और टमाटर ये जो कब से पड़े, तो इनका क्या करने का है? काटने वाले काटने वाले हैं।
अभी शायद आधा घंटा आप भिलाएंगे उस पर ना। मुझे तो नींद आ रही है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। ये बाकी आप लोगों को सिखाएंगे कैसा पास्ता बनाता है, बनता है। ठीक है, प्याज काटते हैं। प्याज प्याज इसमें पूरा फुल हो गया। अब ये चॉपर कैसे चलेगा? फुल भर चुका है इसमें ऊपर तक। आप चॉपर चला के दिखाओ आप। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करो। थोड़ा इधर हटो, यहाँ पर प्याज चॉप हो चुकी है। वेरी गुड, नाइस जॉब। अब प्लेट निकाल के अब उसमें डालेंगे हम ये चॉप की हुई प्याज। अच्छी हुई चॉप, अब उसमें कितनी अच्छी होती है ना चॉपर में, करने की जरूरत ही नहीं, बस चॉपर में डाल दो और प्याज चॉप हो जाती है ना कुमार नाइट से। इजी का इधर इधर। क्या करे अभी आपने? धोए। आप उसमें क्या डालना है? हमको भी देखना है कि कैसा कट रहे हैं ये। ऐसा लग रहा बिरयानी को भी इतना टाइम नहीं लगता होगा जितना पास्ते को टाइम लग रहा। लोग अब बिरयानी भी 2 मिनट में परा के डाल देते। बाप, तो मेरे रोज का काम नहीं है पास्ता बनाना, तो फिर भी इतना टाइम, इतना बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है गाइस कि ये व्लॉग मैंने पहले भी बोला 3-4 घंटे चलेगा, देखते देखते आप लोग बोर हो जाओगे, लेकिन ये व्लॉग खत्म नहीं होगा। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब क्या कर रहे हो? ठीक है, दिख गया दिख गया। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। हम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है टमाटर चॉप हो रहे हैं और वो भी 1 घंटे से चॉप हो रहे हैं। आधा घंटा उनको कटाने के लिए लगा और अभी 1 घंटा चॉप करने के लिए। पास 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 टूट गया। इससे पहले का भी बड़ा वाला चॉपर आपने तोड़े, वो याद रखो घुमा घुमा के। बस 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 हो गए होंगे टमाटर, हो गए चॉप। तो टमाटर भी हमारे हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग टमाटर। वाह वाह, बहुत अच्छे चॉप हो गए। One hour later. आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करना है अपने को? ये रेडी हो चुका है, अब इसके अंदर ये डालना है। अब ये रेडी हो चुका है, ये माइक्रोवेव। अब इसमें
अब इसमें जा रहा है हमारा पास्ता है ना। अब इसको मिक्स करने का है ना। वाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है गाइस, और ये देखिए पूरा परफेक्टली कुक। हम लोगों ने पास्ता ऊपर लेके आ गए, बाकी का पास्ता बन चुका है। और अब्दुल बाकी, ये रहा पास्ता, ये उनका पास्ता, और ये नूडल्स आप लोगों को दिख रहे हैं। तो ये नूडल्स बाहर से लेकर आए थे, तो मैंने लेकर आया क्योंकि ज्यादा पसंद है इसके लिए। बाकी रहे, और यहाँ पर रहा बिग बॉस। बॉस देखते देखते टेस्ट करने वाले तो ये देखिए, मुझे दिखने में प्रेजेंटेशन तो अच्छा लग रहा है। देखो देखो खाओ, ये तो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना है। कैसा बना? एक बाइट में समझ में नहीं आता, दोबारा बाइट करके देखेंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गाइस, जल्दी बोलो ट्रेन निकल। ये तो बहुत ही अच्छा बना है, वाव सच्ची बहुत ही अच्छा पास्ता बना है। मैं जैसे बनाती हूँ ये थोड़ा उसका टेस्ट इससे अलग है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। वेल डन, वेरी गुड के बेटा, पैसे बरकरार रहो। और ऐसे नहीं, अब नहीं बनाने वाले, अब नहीं बनाने वाले हम। और ऐसे डिशेस बना बना के मुझे खिला, अब हम खाने वाले, अब नहीं बना रहे। चलो हम लोगों का खाना फ्रेश हो गया, और ये बाकी जो है पीछे से बर्तन लेकर आ रहे हैं, और हम इसको नीचे रखने के लिए जा रहे हैं। और अबू ने एक चीज तो भूल गया ना, क्या भूल गए थे बोलो? हम लोगों ने मीठा खाना, ये देखिए पूरी प्लेट टूट चुकी है यहाँ पर। पहले सीलिंग ना देख के आपने प्लेट तोड़ दी है यार। प्लेट तोड़ दी है ना आपने? हम लोग जा रहे हैं नीचे मीठा खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने हादसा हो चुका था और बाघ ने एक प्लेट तोड़ दी। बहुत बुरा हादसा हो गया था, जमाता नीचे जा चुके हैं, पीछे आ रही है। तो ये आ चुका हमारा तोस का मीठा, और बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहे। और जिस किसी ने भी मुझे, जो कोई भी मुझे अच्छे कमेंट्स करेगा, तो मैं उसका नाम नेक्स्ट व्लॉग में लूंगी। अल्लाह हाफिज़।